इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को भी मिलेगा प्रमाण पत्र। ओहो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज नोएल भाई, यू नो, आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो आज मैं जाने वाला हूँ मेरी मम्मी को मिलने के लिए। मेरी मम्मी उसके मौसी के घर में आई है, तो 3-4 महीने हो गए, मैं अभी गांव में गया तो मम्मी से मुलाकात भी नहीं हुई मेरी, तो मम्मी से मिलना भी है। और मेरे मम्मी के मौसी की 2 लड़कियां है, एक का नाम है मनीषा और दूसरी का नाम है सोनू मौसी। तो इनसे भी मिलना है, इनको मैंने पहले कभी देखा नहीं है। तो जब मैं छोटा था तब ये मेरा लाड़ प्यार करते रहते थे, लेकिन मैं बहुत छोटा था, मतलब 1.5 फुट का था। क्या बोला तूने? लेकिन मैं बहुत छोटा था, मतलब 1.5 फुट का था। तो जाके देखते हैं वो मुझे पहचान पाते है भी या नहीं। तो मनीषा मावसी मेरी इधर ही रहती है, मावसी को हिंदी में क्या बोलते है, तो इधर ही रहते है दत्तावाड़ी साइड में। तो मेरी मम्मी भी वहाँ पे है, तो पास में है, तो उनसे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। तो भी मैं तैयारी वगैरह कर लेता हूँ, लेकिन उसके पहले पता है क्या, हमें जाना है एक इवेंट में। इवेंट में जाके मनीषा मौसी को मिलना है। तो मनीषा मौसी को मैंने तो देखा नहीं है, बस फोटो में देखा है, लेकिन उनने मुझे फोटो में भी नहीं देखा है, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचानने वाले। तो देखते हैं, अभी जाते हैं, इवेंट खत्म होने के बाद में मम्मी को मिलने ही जाना है। तो एक्साइटमेंट बहुत है मम्मी को देखने का, क्योंकि 2-4 महीने से मैंने देखा नहीं है। तो चलो अभी तैयारी वगैरह कर लेते हैं और निकलते अपने रास्ते के लिए। यहाँ पे मैं आया हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे नाचने की क्या, मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए, जो लड़की दिख रही हो ना, तो ये ना शायद मेरे को पहचानेंगी नहीं, मेरे को लगता है उड़क लेगा। ओह थैंक यू। तो ये है मेरी पद्माक्का और ये मेरी छोटी बहन है, तो हाय कर दो। हाय। तो अभी हम यहाँ से अभी निकलने वाले हैं मम्मी को मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इवेंट में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। 10 बजे आया था मैं और अभी 6 बज रहे, तो टाइम काफ़ी हो चुका है, तो हमें जल्दी आना चाहिए अपने मम्मी को मिलने के लिए। बहुत दिन हो गए मम्मी को दिखा नहीं मैंने, तो फिर सो गाइस बाय बाय। चलो चलिए, अपनी गाड़ी आ चुकी है, अभी गाड़ी से निकलते पट से अपन। ये हमारे मौसी है और मेरा भाई भी आया साथ में। तो देखिए, अभी हम रवाना हो रहे हैं अपने घर की तरफ। ट्रैफिक काफ़ी है, अंधेरा भी हो चुका है, और इतनी ट्रैफिक में भी इतनी अच्छी तरह से ड्राइविंग करती हुई हमारी मौसी जी। हाय कर दो मौसी जी। ओके, और हम यहाँ पे पीछे बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है अभी? और सेशन कैसा था आपका आज का? तो चलिए अपन निकलते हैं। हे बघा, माझी आई तो बसली आहे, रड रड आता रड, खूप दिवसांनी दिसलो तर रडशील नाही का आता। आणि आपली आजी बाई रडना काय म्हटलं तुम्ही? बायकाला विसराल तर नाही 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 बायकोला पण नाही विसरू, आणि आई पण नाही विसरू। 50-50 आता कसं वाटून राहिला? चांगलं वाटून राहिलं मग, घरी आला तो म्हणजे केस कसे रे बापा। तिकडे भाऊची भेट, भाऊचं लाड कर ना, नाही करत ते मा माझ्या मोठ्या भाऊचं लाड नाही करत ती, फक्त माझ्याच लाड करते ते गाडीचा डोर लावून बॅक काढला का, बॅक काढून दे। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं, छोटे छोटे लड़के हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही शरारती है, और रहता है ना अपन मेहमान करके जाते हैं, तो फिर वो छोटे छोटे लड़के ऐसे शर्माते हैं, वैसे ही शर्मा रहे हो, बचपन में हम भी वैसे थे। तो भी है, सब डर रहे हैं मेरे से वीडियो बना रहा करके। तो चलो अभी वो मेरे कजन सिस्टर्स ऊपर है, तो चलो आपको मिला तो डोर क्यों साइड में, डोर खोलो जल्दी, डोर खोलो। क्यों नहीं? अरे तुम्हारे लिए कुछ लाया है हमने। अरे तुम्हारे कुछ लाया है हमने तुम्हारे लिए। हम ऐसे उल्टू नहीं बनते। चलो ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, बाद में आना, ठीक है ना, बाय।
बाय। तो चलिए अभी खाना वगैरह लगने वाला है अभी 2 मिनट में, तो खाना वाना खा लेते क्योंकि भूख भी काफी लगी है। सो फाइनली हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है और अभी हम यहाँ पे आए अपने बिस्तर पे यहाँ पे सोने के लिए। सो एसी वैसी चालू कर दी, यहाँ पे मेरा भाई भी है तो चलो अपन यहाँ पे सोते हैं, मस्त कूलर की हवा खाते और एसी की भी हवा खा लेते हैं, यहाँ पे मैं सोने वाला हूँ। सो देखिए गाइस हमारी कजन आ चुकी है जो कि वीडियो में आने के लिए बहुत शर्मा रही है। देखो सब सिल्वर पार्टी सो गई इधर। हेलो ए कौन तेरा डॉक्टरकडे दाखवत तेरा तो बेबी आहे बोलतात राहुल माझ्या सोबत आणि सकाळ झालेली आहे सूर्य बघू शकता तुम्ही। ओ गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके तो अभी हम जा रहे हैं एक लाने के लिए, सुबह भी हो चुकी है और यहाँ से मेरे को कॉलेज निकलना है। क्या बोलते रुजुल पता है कि अभी 8:30 बज रहे हैं लेकिन हमारे घर के तरफ के पूरे जितने भी दुकान थे सब बंद है, तो इसलिए अभी हम आए हैं थोड़ा दूर दत्ता वाली साइड में। तो यहाँ पे एक दुकान चालू दिखा है हमें, तो यहाँ से ब्रेड बिस्किट ले लेते और निकलते और उसके बाद में तैयारी करें कॉलेज भी निकलना है। डिक्की में रखने हैं। तुम्हारी स्कूल कितने बजे यार? 7 बजे क्या? ओके तो फाइनली हम घर पहुँच गए हैं। रास्ता बहुत खराब था, पता नहीं हमें फूट गई थी क्या हो गया, अभी फूट गए पूरे। ओ माय गॉड उठलीस नहीं का मगर बसून उठली नहीं का उठत ना का तू इकडे बघ तूटत का ना झाली ना आता सगळे जण उठले तरी तर आई आणि मावशी पोळ्या बनवायला मदत करतायत। मावशी काय भाजी काय बनवताय आज? बॉइल एग। चलिए देखो ये छोटे छोटे लड़के जो है ना अभी भी शर्मा रहे, अभी गिर जाएंगे आराम से चलना। तो चलिए नीचे पर आ गया है, देखते हैं क्या है आज की ताजा खबर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को भी मिलेगा प्रमाण पत्र। ओ अरे वाह ये तो बहुत सही हो गया वे, मतलब जो लड़के डीसी वीसी हो गए उनको भी प्रमाण पत्र मिलेगा। तो चलिए मैंने एक पियानो पे धुन बनाई है आपको सुनाता हूँ। मावशी एवढी काऊन लाजवताय ते भाव खातेत का? काय बनवताय हनी सांग ना काय? डायनो शेक बनवताय का? आणि हे तुझ्यासारखी हेअरस्टाईल करून दे ना माझी, माझी छुट्टी घालून देशील ना हो की नाही? तर चला आता शेवटची वेळ आलेली आहे, शेवटची वेळ म्हणजे शेवटची वेळ म्हणते अलविदा करायची। तर चला आता अलविदा, चला मग बाबा आशीर्वाद द्या मला लवकर लग्न व्हायला पाहिजे। आजचा पेपर चांगला द्यावं का म्हणा? आजचा पेपर चांगला गेला पाहिजे। चला ठीक आहे मग, चला मावशी चला मग बाय। हे बघा माझी आई माझे केस करून देत आहे, देखो प्यार देखो माँ का प्यार। भूक लागली नाही का असेल ना रड आता मग रड एक वेळा मस्त रडतस नडू अडू एकदम। चलो मग आता चाललो आता मी केव्हा येता गावी येतो मग सरळ गावी, पेपर झाल्यावर गावी सरळ। चला ठीक आहे बाबा आता कॉलेजला जाऊ आपण, कॉलेजमधून पेपर देऊ त्यानंतर आणखी वस्तू वस्तू का जावं लागेल, आई वगैरे आधीच चालली गावी। तर चला बाय।